हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो है T20 मुकाबला, जो वर्ल्ड कप का है, उसका लीग मैच का लास्ट मुकाबला है, जो वेस्टइंडीज वर्सेज अफगानिस्तान के साथ होने वाला है। इस मुकाबले से किसी को भी क्वालिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब देखा जाएगा तो वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान का जो ये मुकाबला होगा, ये किस पिच पर होगा, तो ये देखिएगा सेंट लूसिया के मैदान पर हो रहा है, जहाँ श्रीलंका ने 200+ स्कोर किया। मीन्स पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ये पिच पूर्णतः बैटिंग पिच है। यहाँ टीम ऑल आउट बहुत मुश्किल से होती है, पहली पारी में तो होती नहीं है। विपक्षी टीम जब बैटिंग करती है तो चांसेस बनता है ऑल आउट होने का, लेकिन उसमें भी चांसेस नहीं है, क्योंकि दोनों अगर मजबूत टीम है तो उसमें भी ऑल आउट नहीं होगा। और चेसेबल भी है, ऐसा नहीं है कि ये पिच चेसेबल नहीं है। मीन्स कि अभी तक वर्ल्ड कप में जितने भी मुकाबले हुए हैं, वहाँ ये सेंट लूसिया का मैदान जो है सबसे अच्छा है बैटिंग के नज़रिए से। अब बात कर लेते हैं यहाँ का एवरेज स्कोर क्या होता है। तो यहाँ का एवरेज स्कोर 180 से 195 है। मीन्स कि दोनों टीम की तरफ से धुरंधर टीम है, दोनों की तरफ से देखा जाएगा तो आपको जो है अच्छे बैटिंग करेंगे और 200+ लगने का चांसेज है, जो श्रीलंका ने कल के मैच में लगाया। अब बात कर लेते हैं दोनों का प्लेइंग 11 का। दोनों का प्लेइंग 11 में देखा जाएगा तो अफगानिस्तान की तरफ से जो है रहमतुल्ला गुरबाज अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन मारने में अफगानिस्तान के रहमतुल्ला गुरबाज सबसे टॉप पे हैं, और विकेट टेकिंग में भी अफगानिस्तान के ही फजल फारूकी टॉप पे हैं। मीन्स देखा जाएगा कि ये दोनों प्लेयर जो हैं, पहला प्लेयर और अफगानिस्तान का ग्यारहवां प्लेयर, ये दोनों अपने टीम के लिए धूम मचा रहे हैं और अपने टीम को सुपर 8 तक पहुँचाया, और नो डाउट सुपर 8 से सेमीफाइनल में पहुँचने के इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनका मुकाबला अलग बात है कि भारत जैसे देश के साथ भी है, लेकिन वो ग्रुप जो है ग्रुप ए में आएंगे, जिसमें इनको थोड़ा सा आसान होगा अपने पहुंचने के लिए टीम को सेमीफाइनल में। अब बात कर लेते हैं दोनों का प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 में देखिए रहमतुल्ला गुरबाज के साथ आई जदरान, ये दोनों ओपनिंग करते हैं, ताबड़तोड़ ओपनिंग करते हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा ओपनिंग पेयर है। उसके बाद पिछले मैच में इन्होंने एक चेंजेस किया था, गुलबदीन नहीं बहुत नीचे बैटिंग कर रहे थे, उनको ऊपर भेजा गया, उन्होंने भी पिछले मैच में बहुत अच्छा स्कोर किया था। और मैं पहले भी बोलते आया हूँ कि बैटिंग लाइनअप में है थोड़ा सा इनका गड़बड़ चल रहा है, इसलिए उन्होंने बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा मजबूत किया है, और ये भी आपका बहुत अच्छा पिक हो सकते हैं गुलबदीन नईब। उसके बाद चौथा में जो ए उमरजई आए हैं, ए उमरजई मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, मोहम्मद नबी या आपको नजीबुल्ला जदरान को थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए या करीम जन्नत को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपरी क्रम के तीन बल्लेबाज इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फिर ए उमर जाएंगे, फिर मोहम्मद नबी आएंगे, नजीबुल्ला जदरान आ जाएंगे, करीम जन्नत आएंगे, राशिद खान। मीन्स कि आप देख सकते हैं इनके 8 नंबर तक बहुत ही बेस्ट बल्लेबाज हैं। राशिद खान भी बहुत कम बॉल पर बहुत ज़्यादा रन मारते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा हिट करते हैं। उसके बाद नुशून अहमद आएंगे, फिर नवील और फजल फारूकी। इनका बॉलिंग में भी देखा जाएगा तो नवील उल हक, फजल फारूकी, राशिद खान, तीन बॉलर जो है हमेशा विकेट पिक करते हैं। बीच बीच में नुशून अहमद जो है बॉलिंग अच्छा, 4 ओवर में 15 रन 20 रन का कोटा करके निकल जाते हैं, जिसके कारण से प्रेशर पड़ता है और दूसरे बॉलर को विकेट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं वेस्टइंडीज़ का देखा गया तो ओपनिंग पार्टनरशिप जो है अभी तक नहीं चल पाया है। आपको किसी मैच में ब्रेंडन किंग चलते हैं, किसी मैच में आपको जोनाथन चार्ल्स चलते हैं, लेकिन ओपनिंग पार्टनरशिप अभी तक नहीं चला है। निकोलस पुरन भी उतने रंग में नहीं दिखे हैं जितने उनको मतलब बैटिंग करते हैं, फर्स्ट डाउन आते हैं। मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप, रोस्टन चेज को फर्स्ट डाउन भेजिएगा, क्योंकि विकेट अगर गिरता है तो रोस्टन चेज थोड़ा सा रुकेंगे, और निचले क्रम में आके नीचे बहुत ही पावर हीटर इनके पास पड़ा हुआ है, जिसमें रोमन पावल, सैम्राट रदरफोर्ड पिछले मैच में उन्होंने कारनामा किया, अकील हुसैन, आंद्रे रशेल, रोमारियो सेफर्ड। मीन्स कि इनके 9 नंबर तक बल्लेबाज जो हैं बहुत ही जानदार बल्लेबाज हैं। फिर 10वें में अलजरी जोसेफ, 11वें में जी मोटी हैं। मीन्स कि देखा जाएगा तो दोनों के तरफ से ऑलराउंडर पूरे भरे पड़े हैं, जो आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों में मदद करेंगे। अब ये जो लास्ट मुकाबला है, यहाँ बैटिंग पिच है, तो यहाँ कौन से बॉलर और कौन से बैट्समैन को पिक किया जाए जो आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जिता सकता है ड्रीम इलेवन में। तो सबसे पहला प्लेयर मैं पहले ही बोलता हूँ कि जो आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस में आपको मदद करे, मीन्स कि बॉलिंग के साथ भी बैटिंग के साथ भी, तो सबसे पहला नाम आता है आपका राशिद खान। राशिद खान जो है ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी नहीं करते हैं, आपको 4 ओवर के कोटा में जो है 2 से 3 विकेट निकाल के देते हैं, और 5 से 6 गेंद भी खेलते हैं तो आपको 15 से 20 रन का योगदान दे देंगे, जिससे कि वो ड्रीम टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर में आ जाएंगे। दूसरा प्लेयर देखा जाएगा, अगर वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करती है तो आंद्रे रशेल का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो लास्ट में बॉलिंग करते हैं, जिसमें 2 से 3 विकेट लेने का चांसेस है, और अगर वो बाद में गेंदबाजी करते हैं उनको भी विकेट मिलेगा, लेकिन रन मारने में भी बहुत हैं कि उनको भी 10 से 15 गेंद मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मार देंगे। तो दूसरा आपके आंद्रे रशेल हो जाएंगे। तीसरा प्लेयर नो डाउट अफगानिस्तान के तरफ से आपके जो है रहमतुल्ला गुरबाज बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। इधर से देखा जाएगा तो अलजरी जोसेफ जो है कमज़ोर टीम के विरुद्ध बहुत अच्छा बॉलिंग किए हैं,
मजबूत टीम के विरुद्ध इनका बॉलिंग अच्छा नहीं है। इन्होंने भी अपना टीम के लिए 7 विकेट लिए हैं 3 मैच में, लेकिन ये कमज़ोर टीम के विरुद्ध लिए हैं, अच्छे टीम के विरुद्ध इनका विकेट नहीं है। तो मेरे ख्याल से इनको आज भी एक आध विकेट मिल जाएगा, पिक हो जाएगा, लेकिन चांसेस कम है। तो रहमतुल्लाह गुलराज आपके तीसरे प्लेयर हो जाएंगे जो आपको बहुत ही अच्छा बैटिंग करके दिखाएंगे आज से, क्योंकि इधर से देखा जाएगा तो अल्जरी जोशे के साथ आपको रेमोडियो शेफर्ड, आंद्रे रशेल, सैमर रदरफोर्ड और अकील हुसैन इस तरह का बॉलिंग करेंगे। ओपनिंग साझेदारी में अकील हुसैन भी आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इस कारण से रहमतुल्लाह गुरुवाज आपके तीसरे प्लेयर चॉइस हो सकते हैं। चौथा प्लेयर देखिएगा, मैंने ब्रैंडन किंग और जोनाथन चार्ल्स, मैंने पहले बोला था ये दोनों अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और खासकर इधर से जब ओपनिंग बॉलिंग होता है फजल फरूकी और नवील उल हक का, तो चांसेस है ये दोनों का विकेट गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। तो चौथा प्लेयर आपका जो है निकोलस पूरन आपके होंगे। निकोलस पूरन किसी भी पिच पे, किसी भी बैटिंग लाइनअप के विरुद्ध, किसी भी बॉलिंग लाइनअप के विरुद्ध जो है किसी भी पिच पे बहुत अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, नो डाउट इतना रन मार देंगे वो ड्रीम टीम के हिस्सा रहेंगे। तो चौथे प्लेयर हमारे निकोलस पूरन हो जाएंगे। पांचवें प्लेयर ऊपरी क्रम का बल्लेबाज, जिसे गुलबदीन नईब को उधर से भेजा गया था, नो डाउट बहुत अच्छा बैटिंग किए थे, और इधर से रोस्टन चेस, ये दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो पांचवें और छठे जो हो जाएंगे आपके रोस्टन चेस हो जाएंगे, पांचवें छठे प्लेयर हो जाएंगे जी नईब, ये आपके करीब करीब सब टीम में होना चाहिए मेरे ख्याल से। रॉबिन पावल कैप्टन है, लेकिन किसी मैच में अभी तक उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ हिट करना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए रॉबिन पावल का मेरे ख्याल से किसी टीम में जगह नहीं बनता। सैमरन रदरफोर्ड, इनका भी मेरे टीम में जगह नहीं बनता है, एक आध मैच में मार देना अलग बात है, अच्छे गेंदबाजी के खिलाफ नो डाउट अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉलिंग लाइनअप है मिडिल ओवर में, जो राशिद खान, नसरुद्दीन अहमद, मोहम्मद नबी, ये तीन टिकरी का बजे बैटिंग करेंगे तो इनका विकेट गिरना लाजमी है, जल्दी गिर जाएगा, जिसके कारण से हमारे टीम में उनका जगह नहीं बनता है। सातवां प्लेयर हम लोग आते हैं अकील हुसैन। देखा जाए अकील हुसैन को देखिएगा, तो स्टार्टिंग में पावर प्ले में 2 ओवर करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर में अगर विकेट मिलता है, अगर मीन्स इनका जो बॉल बैटिंग होगा रहमतुल्लाह गुरबाज, आई जदरान और जी नहीं, जो विकेट मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है पहले वाली टीम नहीं रही, जो कमजोर है, क्योंकि इसके जो कोच है ना अजय जडेजा, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी सिखाया है ये लोगों को, इसके कारण से इनका जो है ना बल्लेबाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अच्छे अच्छे टीमों को ये पछाड़ने का मादा रखते हैं। तो आपको अकील हुसैन भी हमारी टीम में जगह नहीं बनाते हैं। अब बच गया आंद्रे रशेल को मैंने रख लिया, रोमारियो शेफर्ड, अल्जरी जोसेफ, जी मोटी। देखिए ये तीन प्लेयर जो है ना, जी मोटी जो है बीच में मिडिल ओवर में स्पिन करेंगे, स्पिन को मारने के चक्कर में अफगानिस्तान का प्लेयर का विकेट गिरेगा और 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं। तो जी मोटी सातवें प्लेयर हो जाएंगे। आठवें प्लेयर मैंने सबसे बेस्ट प्लेयर जो है बॉलिंग का आपको फजल फरूखी का भी अभी नाम नहीं लिया है। फजल फरूखी स्टार्टिंग में ही 1-2 विकेट निकाल लेंगे और लास्ट में बॉलिंग करेंगे तो वो 1-2 विकेट निकालेंगे, मीन्स की फजल फरूखी आपके आठवें प्लेयर होंगे और अच्छे पिक भी होंगे आपके। और ये बैटिंग पिच है, तो बैटिंग पिच में थोड़ा सा हम लोग को बैटिंग को गहराई देना पड़ेगा। फिर आपको 9, 10 और 11 ये आपके तीन की प्लेयर होंगे जो आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जितवाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे बैटिंग देखिएगा कि आपको ओमर जई और नवी दोनों में से कोई ऊपर आ सकता है, तो नवी जो है बॉलिंग करेंगे, नवी स्पिन करेंगे, एक आध विकेट, लेफ्टी हैंड बैट्समैन यहाँ है, 1-2 प्लेयर उनका विकेट लेने का चांसेस है। तो नौवां में मोहम्मद नबी आएंगे। दसवें प्लेयर उधर से देखा जाएगा, तो देखिए अब मैंने पहले बोला था कि इनका फजल फरूखी, नवीन उलहक बॉलिंग करेंगे तो इधर से विकेट गिरने का चांसेस ज़्यादा है। तो एक आध प्लेयर जो है वैसे जो प्लेयर हैं जो आपको टिक कर खेलते हैं, तो देखिए रविन पावल नहीं, सदन रिपोर्ट, तो ये दोनों में से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं, लेकिन इधर से बॉलिंग में आप जो है नवीन उल हक या नसरुद्दीन अहमद, ये जो है फ्लाइट डिलीवरी करेंगे, इनको विकेट मिलने का चांसेस है। नवीन उलहक फास्ट में बॉलिंग करेंगे, स्टार्टिंग में एक आध विकेट लेने का चांसेस है। तो मेरे ख्याल से दसवें प्लेयर आपके नवीन उलहक या नसरुद्दीन अहमद हो जाएंगे। ग्यारहवें प्लेयर में आप ये ब्रैंडन किंग, जोनाथन चार्ल्स दोनों में से एक किसी को रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि एक आध प्लेयर अगर कुछ थोड़ा सा शॉट मार देंगे तो विकेट रन लगने का चांसेस है। जोनाथन चार्ल्स जो चांसेस कम है हमारी टीम में, ना ब्रैंडन किंग का जगह बनता है ना जोनाथन चार्ल्स का बनता है। आप रोमन पावल के साथ जा सकते हैं या सैमरन रदरफोर्ड के साथ जा सकते हैं। ये हो सकता है कि इतना रन मार दें कि थोड़ा आप ड्रीम टीम में आ जाएंगे, या एक आधो कैच पकड़ लेंगे जो ड्रीम टीम का हिस्सा बन जाए, या आप बॉलर रख सकते हैं अल्जरी जोसेफ के साथ चले जाइएगा, अल्जरी जोसेफ
हो सकता है अल्जेरी जोसेफ एक आध विकेट निकाल लेंगे या रोमारियो शेफर्ड हो सकता है। मतलब ग्यारहवें प्लेयर में जो है ना, आप थोड़ा सा देखिएगा टॉस के लिए। टॉस अगर अफगानिस्तान बैटिंग करती है, अफगानिस्तान टॉस जीतकर बैटिंग करती है तो हम रोमारियो शेफर्ड के साथ चले जाएंगे। अगर अफगानिस्तान टॉस जीत के, वेस्टइंडीज टॉस जीत के बैटिंग करती है तो फिर आप जोनाथन चार्ल्स या ब्रेंडन किंग के साथ जा सकते हैं, एक प्लेयर के साथ जा सकते हैं। इस तरह से जो बनाकर जो है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों आप जीत सकते हैं इस प्लेइंग 11 के साथ। अब इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का सबसे बड़ा रोल होगा। आंद्रे रसेल नो डाउट पहला, दूसरा रहमतुल्ला गुरबाज, तीसरा फजल फरूकी, चौथा राशिद खान, पांचवा नुकलस पुरन, छठा आपके आपको रोस्टन चेस। इस तरह से बनाकर छह टीम का जो है, छह प्लेयर का जो कैप्टन वाइस कैप्टन का प्लेयर है, इससे आप बनाकर जो है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जीत सकते हैं। क्योंकि लास्ट है, लास्ट में इन लोग का जो है लास्ट में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो थोड़ा सा हिटिंग थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा जिसमें विकेट गिरने का भी चांसेज है और रन लगने का भी चांसेज है। इस तरह से बनाकर जो है आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जो है वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के बीच बनाकर जीत सकते हैं। धन्यवाद।